नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, पवन पुत्र हनुमान माता अंजना पूर्व जन्मरे इंद्र राजा महल जड़े अप्सरा थिले। तांकर नाम पुंजिक स्थला थिला। से देखिबा को बहुत ही सुंदर एवं चंचला स्वभावर थिले। तांकर एही चंचलता पाई जणे ऋषि तपस्यारे लीन थिबा समय रे से तांको सहित अभद्र व्यवहार करिथिले। एहा परे ऋषि जणक क्रोधित होई पुंजिक स्थला को अभिशाप देई कहिथिले, तुमे बानर रूप धारण करिब। एभली अभिशाप कथा शुणी पुंजिक स्थला को आत्मज्ञान हेला जे से ऋषि को क्षमा मागिले एवं अभिशाप फेरै नेबाकु अनुरोध करिले। पुंजिक स्थलार एपरी अनुरोध शुणी ऋषि मनरे दया भाव जत हेला। से कहिले, तुमे बानर रूपरे परम तेजस्वी हेब, तुमे जणे कीर्तिवान जशस्वी पुत्र को जन्म देव। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा पवन पुत्र हनुमान माता अंजना पूर्व जन्मर विस्तृत कथा, एहा सहित मध्य जानिबा बजरंग बाली जन्म किपरि होइथिला एवं काहिंकि तांकु बानरर रूप मिलिथिला। तपस्यारे मग्न थिबा ऋषिंक पाखरु अभिशाप मिलिबा परे पुणि थरे पुंजिका स्थलांकु इंद्रदेव निजर मन पसंदर बर मागिबाकु कहिले। तेबे पुंजिका स्थला इंद्रदेवंकु कहिले, जदि संभव अटे मते ऋषिंक द्वारा मिलिथिबा अभिशापरु मुक्ति प्रदान करंतु। इंद्रदेव पचारिबारु अंजना कहिले, मते अनुभव हेउछि कि से ऋषि जणक बानर, मु सेथिपाई तांक उपरकु फल फिंगिथिली। हेले से जणे साधारण बानर नुहति, से जणे परम तपस्वी साधु थिले। मो द्वारा तांकर तपस्या भंग हेबा कारणरु से मते अभिशाप देले, जदि मु काहाकु प्रेम करिबि ताहाले मु बानर होइजिबि। मु बानर हेले मध्य मते प्रेम करुथिबा व्यक्तिर प्रेम केबे बि कमिबो नाहीं। इंद्रदेव ए संपूर्ण कथा शुणा पर कहिले, तुमको पृथ्वी रे जाई बास करिबाकु पड़िब, सेठारे जणे राजकुमार सहित तुमर प्रेम हेबो, से तुमर स्वामी हेबे। तुमर विवाह परे शिवंक अवतार को तुमे जन्म देव, तापरे ही एही अभिशापरु तुमको मुक्ति मिलिब। इंद्रंक पाखरु एपरी कथा शुणी पुंजिक स्थला अंजना रूपरे पृथ्वी रे जाई बसवास कले। अंजना थरे बनरे जणे युवराज को देखिले, सेही युवराज को देखि अंजना तांक प्रति आकर्षित हो उठिले। हेले युवराज जेतेबेले अंजना को देखिले, अंजना बानर रूपरे परिणत हो गले। अंजना निजर रूप को युवराज पाखर लुचाई रखिले। जेतेबेले युवराज अंजना पाख को आसिले, अंजना कहिले, मु असुंदरी अटे। हेले अंजना जेतेबेले युवराज को आड़ को चाहि देखिले, से भी जणे बानर होइगले। सेतेबेले युवराज जणक कहिले, मो बानर राज केसरी अटे, आ मु जेतेबेले इच्छा प्रकाश करिबे सेतेबेले मो मनुष्य रूप धारण करिपारिबे। एहा परे दुई जणक मध्यरे प्रेम हेला, आउ एही प्रेम विवाह बंधन रे बांधी हेई गला। तेबे विवाहर किछि दिन परे माता पितांक पाखरु सेमाने वंचित रहिले। अंजना मातंग ऋषिंक पाखकु जाई निजर दुख कहिले। तेबे मातंग ऋषि अंजना को कहिले, नारायण पर्वत स्थित स्वामी तीर्थकु जाई 12 वर्ष पर्यंत उपवास रही सेठारे तपस्या कर। एहा परे अंजना नारायण पर्वत उपरे जाई तपस्या करिबा परे तांक उपरे वायुदेव प्रसन्न होई तांकु वरदान देले एवं कहिले, तुमे जणे अग्नि सूर्य सुवर्ण वेद वेदांक मर्मज्ञ एवं बलशाली पुत्र को जन्म देव। अंजनांकु एही वरदान मिलिबा परे भगवान शिवंकर से तपस्या करिबाकु लागिले। तेबे भगवान शिव अंजनांकर तपस्यारे प्रसन्न होई वरदान मागिबाकु कहिले। अंजना कहिले, मते ऋषिंक द्वारा मिलिथिबा अभिशापरु मुक्ति पाइबाकु हेले आपणंकर अवतार को जन्म देबाकु पड़िबो। तेबे अंजना कहिले, हे महादेव, एबे दया करो, आपण मो गर्भरे जन्म होंतु। सेतेबेले भगवान शिव अंजना को आशीर्वाद देले।
ହନୁମାନ ରୂପରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜନୀ ବା ଅଞ୍ଜନ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଅଞ୍ଜନା ପୁତ୍ର ତଥା ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।